मेरा नाम डॉक्टर विपिन योगी है, कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग हमारे नाथ संप्रदाय की सुश्री प्रतिमा भूमि जी से, पूरा नाथ संप्रदाय जो पूरे सभी जगह से पूरे इंडिया से यहाँ पर आया था, उनका जो प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ मिला है, और बाबा गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की हम लोगों ने मांग की है। मानसून सत्र शुरू हो गया है, तो हमारी पहले से भी डिमांड की है कि मानसून सत्र में गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की मांग की जाए। और चूँकि हमारे ही संप्रदाय की माननीय दीदी जो है इस मंत्रालय को संभाल रही हैं, हमारा उनसे विनम्र आग्रह था, सब लोगों ने मिलकर विनम्र आग्रह किया कि समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इसका आगे उत्थान हो। आपको कितनी उम्मीदें हैं मैम से कि वो कितना आपके काम को आगे तक लेके जाएंगे? बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, 30 साल से भाजपा में राजनीति में हैं, और चूँकि हम लोगों को तो आज इतना ज़्यादा संबल मिला है, आज बहुत आत्मीयता से वो मिले, बहुत ही सभी लोगों से प्रेम पूर्वक जो है उन्होंने बातचीत की और पूरा भरोसा दिलाया कि माननीय मोदी जी की सरकार उनके साथ खड़ी है और पूरी तरह से जो है तैयार है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं योगी तेजपाल सिंह फरीदाबाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगीनाथ समाज, योगीनाथ उपाध्याय समाज। मैं आज अपने पूरी प्रतिनिधिमंडल के साथ, मेरे राष्ट्रीय महासचिव भाई राम निवास राठी जी, अपने विभिन्न भाई कोटा से, और हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं भाई कैप्टन साहब, और जितने भी मेरी टीम के सारे सदस्य हैं, मेरे मेंबर्स हैं सारे, आज हम आज अपनी दीदी मैडम से मिले, प्रतिमा भौमिक से, और आज हमने पूरा एक प्रेजेंटेशन आज उनको पूरे समाज के साथ मिलकर उनको दिया कि हम अपने समाज के लिए आपके मंत्रालय से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आगे से चलने, जो एनटीटी में भी 27% का आरक्षण जितना भी दिया है मेडिकल में, उसमें मैं आपकी मदद करूंगी, और आपके समाज का मैं आगे जितना मेरे से होगा उससे ज़्यादा मदद करूंगी। और एक लास्ट हमने मैडम से ये रिक्वेस्ट करी कि हमारा एनसीआर में दिल्ली के अंदर एक ऐसा छात्रावास होना चाहिए, नाथ भवन होना चाहिए, कि जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश के लोग, जो बच्चे हैं जिनको, जो वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको कोई भी पढ़ाई में ऐसा कोई योगदान नहीं मिलता, उनके पास पैसा नहीं, तो आप हमारे समाज को ऐसी भूमि आमंत्रित कराएं अपने मंत्रालय से, जिससे कि हमारा पूरा समाज मिलके उस छात्रावास को बनाए। आप ऐसी ग्रांट दें, ऐसा एक छात्रावास हमें आवंटित कराएं जिससे हम पूरे देश से अपने बच्चों को वहाँ पर ला के पढ़ाया जा सके, और उनको हम उच्च शिक्षा की तैयारी करा सकें, जैसे कि IAS, IPS, IRS के लिए हम ऐसा कोई छात्रावास हमारा बनाया जाए। तो मैडम ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना, मेरे पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी हम आप एक बार मिलना, और जो जल्दी हम आपके एक प्रेजेंटेशन हमने उनको बना के देनी है, हम जल्दी उनको देंगे, तो इस पर वो हमारी कार्रवाई पर उन आश्वासन देंगे, जल्दी हम इस काम को हम जल्दी आपको आवंटित कराएंगे। परिचय दीजिए। हाँ, हम रविंद्रनाथ असम से, नाथ जी की डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हूँ। एक्चुअली डेवलपमेंट काउंसिल अभी जो सरकार की तरफ से दिया हुए हैं, हम लोग डेवलपमेंट काउंसिल का तरफ से हम लोग वो संप्रदाय को डेवलप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, और हम लोग इसीलिए चाहता है कि हम लोग सेटेलाइट ऑटोनोमस काउंसिल मांग रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि हम लोग का जुगिक संप्रदाय का आदमी हर एक जगह में रहता है, एक साथ नहीं रहता है, तो भी हम लोग का अभी 42 लाख जुगी का संप्रदाय का हम असम में आदमी हैं, तो ये इतना आदमी को हम थोड़ा थोड़ा पैसा से डेवलप नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए सरकार का तरफ से हम डिमांड करता हूँ कि ये हम लोग को सेटेलाइट ऑटोनोमस काउंसिल हमको देना है। और इसके बाद भी हम कि नाथ जुगी का जो आदमी है वो पॉलिटिकली बहुत दिखाई हो रहा है, बहुत आगे से, अभी भी हम लोग का असम में असेंबली में एक भी नाथ जुगी का MLA हो, मंत्री हो, प्रतिनिधि नहीं है, मतलब, तो इसीलिए हम दीदी से अपील करता हूँ कि हम लोग को थोड़ा पॉलिटिकली आगे लेके जाने के लिए आप थोड़ा सेंट्रल हो, स्टेट हो, लीडर की तरफ से बात करना होगा। और हमारा 1942 जो आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन था, उस टाइम में ढेकियाजुले में 5 आदमी एक साथ शहीद हुआ था, उसी का नाम में भी अभी तक कोई मेडिकल हो, कोई इंस्टीट्यूशन नाम में नहीं दिया गया। हम लोग दीदी से डिमांड मांगता हूँ कि इसका नामों में भी कोई कम से कम बड़ा वाला मेडिकल नाम हो और कोई इंस्टीट्यूशन नाम हो, उन लोग का नाम से होना चाहिए। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी, अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज का राष्ट्रीय प्रभारी। सर आज यहाँ पर क्या हुआ है? आज हम सबसे पहले मोदी जी के आभारी हैं, उन्होंने हमारी दीदी प्रतिमा भौमिक नाथ को जो राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया है, हमारे समाज का जो एक पहचान बनाई है, हम प्रधानमंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं। जो आप अपनी आज डिमांड्स लेकर आए हैं मैम के पास, वो कितना उनको पूरा कर पाएंगे, कितना विश्वास है आपको उन पर? हमें अपनी दीदी पर 100% विश्वास है, दीदी नाथ समाज से है, और दीदी को जितना नॉलेज है नाथ समाज के बारे में, हम उसको देखकर चकित रह गए। हमें 100 नहीं, 1000% उम्मीदें हैं कि अभी नाथ समाज
पूरी प्रोग्रेस करेगा। नाथ समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, चेयरमैन अभी सब होंगे। मैं उमेद सिंह सतेरा सोनीपत से प्रधान हूँ, हरियाणा से। आज हम यहाँ पे जो आए हैं, बहुत ही सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे समाज की बेटी को इतना बड़ा स्थान, प्रतिनिधित्व जो दिया है, सबसे पहले 74 साल में इन्होंने जो दिया है, उसके लिए हम सारा का सारा समाज आबादी है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम तो समाज के सेवक हैं, निस्वार्थ सेवा करेंगे, और इस संगठन के सिपाही हैं, तन मन धन और जी जान से अपनी सेवा करेंगे अपने समाज की। मैं राजकुमार जोगी सफीदों से, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। सर, आज की मीटिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। हम मंत्री जी से मिलने आए थे और मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। भाई, हमारे समाज से प्रतिमा भौमिक जी जो मंत्री बनाई है, ये पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, सेंटर में हमारे समाज की पहली बार मंत्री बनाई है। हम नड्डा जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत। मेरा नाम है राम कुमार दीवान, खादर 360 से। आज हम अपनी मैडम के पास आए हैं, ऐसा अनुभव हुआ कि हमारी पूरी समाज, और मैडम ने ऐसे बोला भी है कि मैं चेयर पे नहीं बैठी हूँ, मेरी पूरी समाज बैठी है। और ये नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करो, जिन्होंने 74 साल में आज हमारी मंत्री जी को, प्रतिमा भूमिका को इस सीट पर बैठाया है, और समाज के साथ ऐसे लिपट के मिली है कि उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है।